Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Radical Islamic terrorists. नई अफगान पॉलिसी पर पाकिस्तान के खदशात सच साबित हुए. अमेरिका भारत को खित्ते का हीरो बनाने की आड़ में चीन को जीरो बनाने का गेम खेल रहा है. पाकिस्तान को अमेरिकी धमकियां और इंडिया को माशी और अस्करी ताबुन मिल गया. करप्शन की प्ली बार्गेन करके छूटे और कुर्सी पर बैठकर फिर पैसा बनाया. सिंध के सरकारी महकमों में करप्ट अफसरान सालों तक कमाल करप्शन करते रहे और हुकूमत सोती रही. 480 अफसरान को फारिग करने के लिए अदालत को अहकाम देना पड़े. बड़ी तादाद तालीम और बल्दियात के अफसरान की है. और जंग लड़ने के लिए रोबोट्स आर्मी की तैयारी जारी है. मशीनी फौजें इंसानियत को तबाह कर देंगी. दुनिया परेशान है. कातिल रोबोट्स की तैयारी रोकने का मुतालबा किया जा रहा है. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर. ऐसे में कि जब अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन पाकिस्तान का दौरा करके जा चुके हैं, सिर्फ 4 घंटे के लिए वो इस्लामाबाद आए, पाकिस्तानी क्यादत के साथ हंगामी मुलाकातें की और अब भारत में वो मौजूद रहे. भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी. अलबत्ता वो भारतीय हमनसब सुषमा स्वराज से ज़रूर मिले हैं और इस मुलाकात में अमरीका ने भारत को जो ऑफर्स की हैं वो अमरीका की तरजीहात साफ जाहिर कर रही हैं. क्योंकि टिलरसन पाकिस्तान से होते हुए भारत गए हैं और भारत जाते ही उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बदली है. अमरीकी वजीर खारजा की सुषमा स्वराज से मुलाकात में भारत को पेशकश की गई है कि वो खित्ते को लीड करे. खित्ते का हीरो बनाया जा रहा है भारत को और अमरीका इस सिलसिले में उसकी पुष्टपनाही करने के लिए तैयार है. ये बात रेक्स टिलरसन ने खुद सुषमा स्वराज से मुलाकात के बाद मीडिया के सामने कही. उनके अल्फाज क्या थे आप खुद सुनिए. यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट्स इंडियाज़ इमर्जेंस एज़ अ लीडिंग पावर and will continue to contribute to Indian capabilities to provide security throughout the region. In this regard, we are willing and able to provide India advanced technologies for its military modernization efforts. This includes ambitious offers from American industry for F-16 and F-18 fighter planes. रेक्स टिलरसन को आपने सुना, कोई ढकी छुपी बात नहीं है. बंद कमरा इजलास के अंदर ये बात नहीं कही गई. अमेरिका ने इंडिया को सबके सामने बहुत ही साफ अल्फाज में वाज़े अल्फाज के साथ खित्ते को लीड करने की पेशकश की है. F-18 देने की बात की गई है. अमेरिका भारत की फौज को जदीद टेक्नोलॉजी देना चाहता है. हर मुमकिन ताबुन के लिए इसके लिए वो तैयार हो गया है. रेक्स टिलरसन का ये बयान बहुत ही अहम है और चूंकि ये उनके दौरे पाकिस्तान के फौरी बाद दिया गया तो इसकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. अमरीकी वजीर खारजा के पाकिस्तान और भारत के दौरों का अगर हम मवाजना करें, ये जानने की कोशिश करें कि क्या फ़र्क है, तो दोनों रियासतों में जब अमरीकी वजीर खारजा आए तो उनका अंदाज़ व बयान बिल्कुल मुख्तलिफ था. इससे मुतालिक एक रिपोर्ट के आप उसमें देखें कि उनका अंदाज़ क्या था और मिजाज क्या था. अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन की बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान में कुछ और भारत में कुछ और ही थी. कहीं अंदाज हाकिमाना था और कहीं आजिजाना. सिर्फ एक बात मुश्तरक थी, दोनों मुल्कों में रेक्स टिलरसन का इस्तकबाल किसी बड़ी शख्सियत ने नहीं किया. पाकिस्तान में अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात में सिविल और अस्करी क्यादत एक साथ बैठी, लेकिन भारत में सिर्फ भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ही अमरीकी हमनसब से मिली. सुषमा स्वराज आगे आगे और रेक्स टिलरसन पीछे पीछे चलते नजर आए. पाकिस्तान में सिर्फ मुलाकात का मुश्तरका ऐलानिया आया, लेकिन भारत में मुश्तरका ऐलानिया ही नहीं, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई. पाकिस्तान में रेक्स टिलरसन ने 4 घंटों से भी कम क्याम किया और बात सिर्फ इल्जामात, जवाबात और मुतालबात तक महदूद रही. लेकिन भारत को अमरीकी वजीर खारजा ने न सिर्फ पूरा वक्त दिया बल्कि और भी बहुत कुछ देने का दिलासा दिया. इन हालात में पाकिस्तान को अब बखूबी समझ लेना चाहिए कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला. जी, तो ये अमेरिका ही है जो भारत को खित्ते में लीडिंग पावर देखना चाहता है. रेक्स टिलरसन का जो रवैया है, जो अंदाज है, जो बयान है, साफ जाहिर है कि पाकिस्तान को कबूल हो या नहीं हो, आलमी ताकतें अफगानिस्तान में भारत के किरदार को नागुजीर समझती हैं. यहाँ मैंने आलमी ताकतों का तस्करा इसलिए किया क्योंकि ये सिर्फ अमरीका ही नहीं है जो अफगान अमन अमल में भारत के किरदार को अहमियत दे रहा है.
रूस का नजरिया भी यही नजर आता है। इसका वाज़ह सबूत रूसी सदर के अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदे खुसूसी ज़मीर काबलोफ का दौरा भारत है। वो पिछले महीने सितंबर में भारत आए थे और उनके इस दौरे का मकसद भी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करना ही था। तो सिर्फ अमरीका ही नहीं, रूस के लिए भी अफगानिस्तान के मामले में भारत अहम पार्टनर है और ये सब कुछ हमारी सिफारती नाकामी का मुबोता सबूत है, क्योंकि हमने अफगान जंग के बाद एक लंबे अरसे तक अफगानिस्तान में ग्राउंड को ओपन छोड़ा है, दुनिया भर में ओपन छोड़ा है। चार साल के साढ़े चार साल के दौरान कोई वजीर खारजा नहीं था जिससे भारत को बड़ा मौका मिला है। उसने अफगानिस्तान में सरमायाकारी की, अपना नेटवर्क मजबूत बनाया, अपने ताल्लुकात बेहतर किए, अफगानिस्तान में तामीर नौ के लिए अरबों डॉलर्स की बल्कि इमदाद भी दी है। और एक अंदाजे के मुताबिक भारत अफगानिस्तान में सिर्फ तामीर नौ के लिए 3.1 बिलियन डॉलर दे चुका है। इसके लिए 116 नए मंसूबे हैं जिन पर भारत अफगानिस्तान में काम कर रहा है। फिर रॉ है, एनडीएस है, इनके जो ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। दोनों ने ही मिलकर मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें तैयार की हैं। तो ऐसा वक्त कि जब अमरीकी वजीर खारजा के पाकिस्तान के जाने के बाद ये खबरें सामने आई कि हमने टिलरसन का जो बहुत ही इस्तकबाल किया, बहुत ही सर्द मोहरी के साथ किया है, एक मामूली से नुमाइंदे को अमरीकी वजीर खारजा के इस्तकबाल के लिए भेजा गया और पाकिस्तानी लीडरशिप जिससे अलग अलग मुलाकातें तय थीं उसके बावजूद हमारी अस्करी और सिविल क़्यादत एक साथ मिलकर बैठी है, टिलरसन से मिली है और इसका मकसद अमरीका को ये पैगाम देना है कि हम एक पेज पर ही हैं। फिर टिलरसन के जाने के बाद वजीर खारजा का बरतानवी नशरियाती इदारे को ये बयान कि हम इमदाद नहीं चाहते, अमरीका से ख़तन नहीं चाहते बल्कि एहतराम चाहते हैं। तो ये एक हकीकत है कि हमारे तमाम तर एतराज़ात के बावजूद अमरीका की जो नई अफगान पॉलिसी है इसमें अमरीका ने भारत को अहम किरदार देने की बात की थी और हकीकतन ये कर भी दिखाया है। अगर हम ये समझें कि टिलरसन के दौरे के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी आई है तो टिलरसन के बयानात जो कि भारत में दिए गए उससे भी साफ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो तमाम तर फिर सूरत हाल बनती है खत्ते की भी और ख़ासतौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, इसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं, इस पर हम बात करेंगे। साबिक सफ़ीर शाहिद अमीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब आपका। खुलकर मामला अब सामने आ गए हैं, चीन को पीछे करने के लिए ये तमाम तर गेम खेला गया है। यहाँ से जाने के बाद अमरीकी वजीर खारजा ने जिस तरह से भारत को खत्ते को लीड करने की पेशकश की है, फिर भारतीय अफवाज को जदीद तरीन हथियारों से लेस करने की बात की है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की एक आइस ब्रेकर की जो कॉन्सेप्ट सामने आ रहा था वो हो सकेगा, पाकिस्तान को ये तमाम हालात कैसे कबूल होंगे? जी, इंडिया का, अफगानिस्तान का, फिर इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात में बहुत बेहतरी तो आई है, तो एक किस्म का कह सकते हैं इन तीन मुल्कों में एक किस्म का इतिहाद सा है, चाहे उसको डिक्लेयर किया हो या ना हो, और उसमें कम से कम अफगानिस्तान और इंडिया में तो पाकिस्तान दुश्मनी का एक पहलू है। मैं नहीं कहूँगा कि अमरीका इसमें दुश्मनी के पहलू के साथ आया है, लेकिन अमरीका के लिए हिंदुस्तान के ताल्लुकात की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक नौयत है, वो उसको किस लेंस से देखता है कि चाइना को रोकना है, उसमें पाकिस्तान का इतना किरदार नहीं है। अमरीका की एक आलमी पॉलिसी है जिसमें वो चाइना को अपना मुखालिफ समझते हैं, लॉन्ग टर्म एक उनका कॉम्पिटिटर या राइवल समझते हैं, और इंडिया के साथ इत्तेहाद उनका जो है वो जारी रहेगा। लेकिन हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिए, हर मुल्क के ताल्लुकात की अपनी नौयत होती है। हिंदुस्तान के साथ उनके चाहे कितने करीबी ताल्लुकात हों, इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात में कोई अबतरी आएगी। पाकिस्तान की ज़रूरत उनको है और वो रहेगी, और पाकिस्तान को नाराज़ करके अमरीका जो है अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। इसलिए ये सही है कि एक किस्म का हमारे लिए बाईस तशवीश है कि अफगानिस्तान और इंडिया और अमेरिका में एक किस्म का गठजोड़ है, लेकिन हमारी उधर चाहे चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, ये सिलसिला एक बात तो आपने बिल्कुल क्लियर कर दी कि चीन को नीचा दिखाना है इसलिए वो सारा का सारा जो फोकस है उसका वो अब भारत की तरफ हो गया। बहरहाल जब हमारे पास आए थे अमरीकी वजीर खारजा तो पूरी जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप थी एक साथ मिली है, वाज़े पैगाम दिया गया है इस मामले में कि हम सब का मौकिफ एक ही है। लेकिन जिस तरह से इंडियन मिनिस्टर ने अमेरिका की अफगान पॉलिसी को सपोर्ट किया है कि पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां हैं उससे मशरूत कर दिया है, फिर टिलरसन भी उसकी तायद कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जानिब से जिस यूनिटी का, जिस इत्तेहाद का जेस्चर दिया गया है, जितना सख्त मौकिफ अपनाने की बात हमने की है, अमरीका पर कोई फ़र्क पड़ता है इससे? ये मेरे ख्याल में तो ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई है, और यकीनन पाकिस्तान की क़यादत ने एक वाज़े पैगाम अमेरिका को दिया है जी कि हम इस जंग में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पूरी तरह शामिल हैं और हमारा बहुत बड़ा रोल है, हमारी बड़ी कुर्बानियां हैं, और वो रोल जो है वो जारी रहेगा। लेकिन ये कि अमेरिका की को भी एहसास होना चाहिए
कि पाकिस्तान की भी शिकायत हैं कि अफगानिस्तानी इलाके से दहशतगर्द पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक यकतरफा बात नहीं है, दोनों को इस सिलसिले में मस्बत कार्रवाई करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक किस्म का ट्रस्ट डेफिसिट तो अभी तक मौजूद है, लेकिन ऐसी मुलाकात से, इतने हाई लेवल पर मुलाकात से यकीनन दोनों मुल्कों को एक दूसरे का मौकफ समझने में मदद मिली है। लेकिन ये मौकफ आगे काम कितना आएगा शाहिद अमीन साहब? हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? अगर हम अमेरिका को नो मोर कहते हैं तो क्या अमेरिका की जो नाराजगी है या उसका जो दबाव है उसको पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता है? ताल्लुकात तो बुनियादी तौर पे मफादात पे बनते हैं जी। मैं समझता हूँ कि बात का एहसास है कि पाकिस्तान का एक अहम रोल है इस इलाके में, ख़ास तौर पे अफगानिस्तान में जहाँ पे अमेरिका के ये फ़ौज फंसी हुई है। पाकिस्तान के तआवुन के बग़ैर अफगानिस्तान में अमन अमान बहुत मुश्किल होगा, और अगर कोई सियासी तस्वीर चाहते हैं तो उसमें भी पाकिस्तान का एक रोल बनता है। फिर पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजिक अहमियत है, एक न्यूक्लियर पावर है, बहुत बड़ा फौजी ताकत है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अमेरिका नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यकीनन सदर ट्रंप ने अगस्त में जो पॉलिसी बयान दिया था वो हमारे लिए बड़ा नागवार था और हमारी तरफ से बिल्कुल सही रिएक्शन आया, लेकिन बहरहाल ताल्लुकात जो हैं वो दो मुल्कों के दरमियान होते हैं मफादात की बुनियाद पे। हमारा मफाद भी इसमें है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में ज़्यादा कोई अबतरी ना आए, क्योंकि हम पहले से बहुत दुश्वारियों में घिरे हुए हैं। हिंदुस्तान हमारे साथ एक मुस्तकिल एक दुश्मनी की पॉलिसी अख्तियार किए हुए है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं, इक्तिसादी तौर पे भी दुश्वारियाँ हैं, सियासी इस्तेहकाम का भी मसला है। इन हालात में अगर पाकिस्तान जो है उसको अमेरिका की दुश्मनी का सामना करना पड़े तो ये हमारे कौमी मफाद में नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से एक एहसास है कि जो कुछ भी शिकायात हैं उनको उबूर करके ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये जो ताल्लुकात के अंदर जो कमी नज़र आ रही है, जो डिफरेंस नज़र आ रहा है, अब टिलरसन साहब ने पाकिस्तान में तो सिर्फ 4 घंटे विजिट किया, अब भारत में वो जाहिर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने वाले हैं, तो अमेरिका जो नज़र आ रही है पाकिस्तान के लिए उनका रवैया कुछ और है, भारत के लिए कुछ और है। जाहिर है रियासतों के ताल्लुकात होते हैं, उनकी मुख्तलिफ नौइयत होती है, इस नौइयत के बिना पर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात मजीद बिगड़ सकते हैं, अमेरिका उसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? ये भी एक डिप्लोमेसी में एक कदम के जेस्चर्स होते हैं जिससे इस बात का इजहार होता है कि हम आपकी बात से ज़्यादा खुश नहीं हैं जी। ये तो हमें अंदाज़ा ही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ख़ासतौर पर सदर ट्रंप के बयान के अगस्त के बयान के बाद एक किस्म की ताल्लुकात में पेचीदगी आई थी, लेकिन वक्त के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले तो हमारे वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में अमेरिका के नायब सदर से मुलाकात हुई, और उसके बाद और भी वफूद का तबादला हुआ है, और इस वक्त टिलरसन जो कि पहले अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जो कई सालों के बाद पाकिस्तान आए हैं, उनकी बातचीत से मैं समझता हूँ कि हालात मस्बत होते जा रहे हैं और ये ताबुन जो है वक्त के साथ ही बढ़ेगा। इसमें यकीनन बाहमी शिकायात हैं, उनको दूर करना आसान काम नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन इस दौरे के बाद शायद अमीन साहब आप क्या समझते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया किस तरह से तब्दील होगा, क्योंकि ये ट्रंप का ही पैगाम था जो आज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेकर आए हैं, पाकिस्तान ने तो अपना जवाब दे दिया है। ये सदर ट्रंप के बारे में हमको अंदाज़ा है सबको कि वो बड़े कुछ उनकी तबीयत में कुछ एक्सट्रीम्स हैं, ज़रा सी देर में वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं, ज़रा सी देर में खुश हो जाते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए ज़रा पेशेंस की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि उनका अगस्त का जो बयान था वो एक किस्म का पाकिस्तान पे साइकोलॉजिकल प्रेशर था, बावजूद इसके उसमें नज़र आता था कि शायद उनका ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ वो कोई बड़ा सख्त कदम उठा के ताल्लुकात को ख़राब करेंगे, ऐसा नहीं था। वो एक बयान था जिससे मकसद था कि पाकिस्तान आ जाए, लेकिन सदर ट्रंप को भी एहसास था और उनके सारे इतने मुशीर हैं वो उनको उस बात का एहसास दिलाएंगे कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने में अमेरिका का फ़ायदा नहीं है, ख़ासतौर पे जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद चाहते हैं तो पाकिस्तान को नाराज़ करके वो मदद कैसे हासिल होगी। तो फिर आपने देखा अभी जो अमेरिकन कपल आज़ाद हुआ तो उसके बाद ट्रंप ने पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि अब इस वक्त पाकिस्तान के लीडर्स के साथ उनके बड़े बेहतर ठीक है। बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब, साबिक सफीर हमारे हमरा, पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, अफगानिस्तान,
खित्ते के अंदर जो गेम खेला जा रहा है उस पर हमने बात की, और ख़ासतौर पर अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ये दौरा है ये पूरे खित्ते को किस तरह से नज़रअंदाज किस तरह से मुतासर कर रहा है, किस तरह से जो जो रियासतें हैं उनके ताल्लुकात असरअंदाज होंगे, इस पर तो बात की। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और इस ब्रेक के बाद क्रिकेट की बात होगी, जहाँ मैच फिक्सिंग तो हो ही रही थी, स्पॉट फिक्सिंग भी थी, लेकिन अब पिच फिक्सिंग हो रही है। देखते रहिए न्यूज़ और विद नाजिया। वेलकम बैक। रवां साल के मिड में अदालत ने सिंध हुकूमत को ऐसे तमाम तर अफसरान को ओहदों से हटाने का हुक्म दिया था जो किसी भी तरीके से करप्शन में मुलविस पाए गए और उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया, नैब से प्ली बारगेन की और उसके बावजूद वो अपने ओहदों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि नैब कवानीन वो ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स एतराफ़ जुर्म करता है और प्ली बारगेन के नतीजे में करप्शन की जो रकम है उसको वापस करके आज़ाद हो जाए तो वो सरकारी ओहदे पर काम नहीं कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद सिंध में सैकड़ों अफसरान ऐसे हैं, नैब से प्ली बारगेन उन्होंने की और उसके बावजूद अपने ओहदों पर मौजूद रहे, काम कर रहे हैं। इस फैसले को तकरीबन 4 माह गुजर चुके हैं, लेकिन पिछले हफ्ते सिंध हाई कोर्ट ने उन अफसरान की तादाद से मुतालिक फिर दरियाफ्त किया और इन तमाम अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए 3 दिन की डेडलाइन दे दी गई है। उसके बाद फिर ये हुआ कि आखिरकार सिंध हुकूमत ने अदालत को आगाह किया, 480 से ज़ायद अफसरान ऐसे थे कि जिनको ओहदों से हटाया गया, जिनमें सबसे बड़ी तादाद महकमा तालीम के अफसरान की है, 266 अफसरान फारिग कर दिए गए हैं, महकमा बल्दियात के 22 अफसरान हैं जो कि प्ली बारगेन के बाद ओहदों से हटाया गया उनको, और इस सिलसिले में सबसे ताज़ा एक्शन पीर को लिया गया है, 8 अफसरान को उनके ओहदों से हटा कर मुतालिका जो महकमे हैं रिपोर्ट करने से मुतालिक उनका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। ये तमाम अफसरान 19 ग्रेड पर मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे थे, 19 ग्रेड पर यानी बड़े आला ओहदों पर ये थे। बज़ाहिर ये खुशाइन इकदाम है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये अफसरान जो प्ली बारगेन के बावजूद अभी तक अपने ओहदों पर मौजूद थे, इनको अदालती हुक्म की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्यों इंतज़ामी तौर पर ही जो इन जो जो इनके महकमे थे उन्होंने खुद क्यों नहीं इनको हटा दिया, इस पर हम बात करेंगे। हमें वज़ीर इत्तला'आत सिंध नासिर हुसैन शाह साहब ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। सिंध हाई कोर्ट ने तकरीबन 4 महीने पहले ही ये हुक्म जारी किया था, प्ली बारगेन करने वाले तमाम अफसरान को ओहदों से हटाने का हुक्म दिया था। चीफ सेक्रेटरी ने अदालत में जो एफिडेविट जमा कराया है वो ये कहते हैं कि तकरीबन 480 ऐसे अफसरान हैं जिनको फारिग किया गया है, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये अफसरान अपने ओहदों पर काम कैसे कर रहे थे, और यही वो अफसरान थे कि प्ली बारगेन भी जिन्होंने की और उसके बाद ये वहाँ पर मौजूद रहे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, चीफ सेक्रेटरी साहब ने वहाँ पे हाई कोर्ट में ये जमा करा दी है लिस्ट, और ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। और जब कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, वीआर करते हैं या प्ली बारगेन करें और इस तरह का सिलसिले हों, तो अगर नैब के कवानीन में उसकी गुंजाइश अगर मौजूद भी है, जिसको हम लोग कई दफ़ा क्रिटिसाइज भी कर चुके हैं, लेकिन सर्विसेज रूल में और इखलाकी तौर पर भी फिर उसका जवाज़ नहीं बनता कि आप कमिट कर रहे हैं कि जी आपने एक इस तरह की इरेगुलरिटी की या कोई भी करप्शन की और फिर आपने उसको उसमें से कुछ हिस्सा वापस किया या जो भी उनके कवानीन के तहत थे, तो इनमें से कोई भी अफसर जो था उसको लगाना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर कुछ लग गए और अब अगर यही सवाल है कैसे लग गए, आप खुद कह रहे हैं शाह साहब के अखलाकी तौर पर, बल्कि यहाँ तो कानूनी तौर पर भी नैब से प्ली बारगेन के बाद कोई भी शख्स सरकारी ओहदे पर नहीं रह सकता, वो काम नहीं कर सकता, ये अफसरान काम कर रहे थे, अदालत ने इनको हटाने के अहकाम जारी किए हैं, क्यों हुआ ऐसा कि अदालत को एहकामात देने पड़े, खुद से इंतजामी तौर पर क्यों नहीं हटाया गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था और नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कवानीन में नैब के तहत ये गुंजाइश थी जी कि इस तरह की बात हो सके, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इखलाकी तौर पर और सर्विसेज रूल में भी ये है कि जब आप वहां पे तो चले, उन्होंने कवानीन बनाए, आपने उनके तहत जाके ये सारा कुछ किया, उन्होंने आपको क्लीन चिट दे दी कि जी आप सब कुछ कर सकते हैं जाके, लेकिन जब आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें करते हैं तो वहाँ पे जाहिर है जो कोई ना कोई तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग का होगा ना, कोई जिस पे इनकी साइन होगी,
नैब के अफसरान की भी साइन होगी, जिसमें ये एग्रीड हुआ होगा कि जी ये इस तरह का हमने काम किया, इसी वजह से ये इतना अमाउंट हम वापस कर रहे हैं। ये लेकिन शाह साहब, इतनी बड़ी तादाद है सरकारी अफसरान की और करप्शन के केसेस तश्वीशनाक तो हैं, आपके लिए भी परेशान कुन हैं, खासतौर पर आप महकमे अगर आप इनके देखें, महकमे तालीम है, महकमे बल्दियात, खासतौर पर महकमे तालीम जो है 266 अफसरान हैं, सूबे में तालीमी निज़ाम की बदहाली का अंदाज़ा भी आप उससे लगा सकते हैं, ऐसे अफसरान को करप्शन का मौका मिला क्यों, बर्वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई, आप कहां पर प्रॉब्लम देखते हैं? देखिए, जाहिर है सबको हटा दिया जाएगा। मैं सिर्फ एक बात आपको कर रहा था कि नैब के जो कवानीन हैं, जिनको हम तनकीद भी करते हैं और चाह रहे थे कि उनको चेंज भी किया जाए, वो यही चीजें थी। अब उसमें ये भी होता है कि अगर आप ये जिनका आपने अभी तस्करा किया एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ अफसरान का, तो अगर आप उसमें जाके देखेंगे तो बहुत छोटा भी स्केल आपको मिलेगा कि उसमें ये है, लेकिन फिर ये जब पूरे वॉल्यूम को इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि इनका एक है कि इतने से ऊपर की ये इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन वो जब सबको मिला लेते हैं, और फिर आपको पता है कि कुछ परसेंटेज नैब वालों के लिए भी है, कुछ इंसेंटिव्स हैं, तो इस वजह से भी ये लोगों को इस तरह से भी कई शिकायत आई कि जी उनसे कहा गया कि आप सिर्फ ये कर दें तो बस आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, नहीं तो आपको ये भी सारी चीजें हैं अपनी जगह पे। बात जो है, असल बात यही है कि इनमें से किसी को भी दोबारा नहीं लगाना चाहिए। यानी नैब अपना काम बेहतर तौर पर नहीं कर पाया था। जो नए चेयरमैन नैब हैं, उनका नाम तो पीपल्स पार्टी ने भी तजवीज किया है, जिनके आने के बाद सुबह सिंध में नैब का जो इदारा है, जिस तरह से एक्टिविटीज हैं बहुत तेजी से नजर आ रही है, सरगर्म हुआ है। पीपल्स पार्टी नैब पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम लगा रही है, ये भी कहा गया कि पंजाब में तरीक़ाकार और है, सिंध में मुख्तलिफ है। इस मौके की कोई ठोस वजह है आपके पास कि पंजाब में नैब मुख्तलिफ तरीके से काम कर रही है, जब सिंध की बारी आती है तो यहाँ पर नैब किसी और तरह से काम कर रही है? सिंध और पंजाब की बात को मैं खामखा उसमें नहीं जाना चाहता, पंजाब वाले भी हमारे ही भाई हैं और हम लोग सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये जरूर हो रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो रवैया जो है उसमें बिल्कुल दिखाई देता है कि वो सही नहीं है। अब आप यही जिसकी आप बात कर रहे हैं, जाहिर है अभी चेयरमैन साहब नए आए हैं, पीपल्स पार्टी ने कोई इस तरह की नॉमिनेशन नहीं की कि ऐसे आदमी को कर दिया जाए जो हर चीज पीपल्स पार्टी की माने या फेडरल गवर्नमेंट की माने, लेकिन जो जिसका किरदार बेहतर हो, जिसका नाम अच्छा हो। देखें, अभी पीटीआई वाले भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, दीगर लोग भी कह रहे हैं कि जी वो अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, तो इस वजह से पीपल्स पार्टी ने भी ये नाम फ्लोट किया। लेकिन अभी उनको आया है, कुछ दिन हुए, थोड़े दिन ही हुए वो आए, नीचे तक एक पूरा सिस्टम चल रहा है। अब आप देख लेना, अभी सफदर साहब जो कैप्टन सफदर आए इस्लामाबाद उतरे, उनकी जमानत तो नहीं थी जी, लेकिन उनको वहां से आपने देखा किस तरीके से ले जाया गया और फिर शाह साहब ठीक है, वो ये फिर वही पंजाब और सिंध में मुख्तलिफ कार्रवाइयों की बात आ जाती है। करप्शन के खिलाफ सारी जमातें, उनका मौकिफ तो एक ही है, लेकिन जब कार्रवाई करता है नैब तो फिर ऐब नजर आने लगते हैं उसके अंदर। अब सिंध हुकूमत तो बिल पहले ही पास कर चुकी थी, आप लोगों ने नैब का किरदार खत्म कर दिया था, लेकिन अदालती एक्शन हुआ है और फिर आपको पीछे हटना पड़ा। आखिर क्यों नहीं ऐसा कोई तरीका कार बना लेते तमाम सियासी जमातें मिलकर के नैब पर तनकीद ना करें, लेकिन जो नैब के लिए बेहतरी कर सकते हैं वो तो कर लें, कोई बेहतरी इकदामात कर लें। करप्शन को कोई भी पसंद नहीं करता, कोई ऐसा गवर्नमेंट, कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो करप्शन को कहेगी जी लीगलाइज है और ये करप्शन जरूर होना चाहिए। ये नासूर अपनी जगह पे है, ये मुआशरे में सराइयत कर गया है, इस नासूर को खत्म करना है। लेकिन जो आप कह रही हैं कि जी नैब पे तनकीद की जाती है और फिर ये क्या इस तरफ जोर नहीं दिया जाता, तो उस पे यही तो क्वेश्चन आता है कि क्या नैब के इदारे के बाद ये करप्शन खत्म हो गई? तो इदारे को बेहतर कर लें, कानून कवानीन इदारे वो होने चाहिए जो बिल्कुल इस तरह का स्ट्राइक करें, एक्शन करें कि जो ये चीजें खत्म हो। सही, ये ना हो कि जी अपने तौर पर सिर्फ पीपल्स पार्टी को तो करना है टारगेट, लेकिन दूसरों को कुछ नहीं कहना। ये सब आपके सामने, हम क्यों नैब के खिलाफ हमने कवानीन जो असेंबली में पास हुए थे, किस वजह से? यही वजूहात थी जो मैंने आपको बयान की कि कोई आ ही नहीं रहा था, कॉल अप नोटिस नहीं था, ईसीएल में नाम पहले डाल दिया करते थे और फिर जैसा चाहते थे उस तरह का बर्ताव किया जाता था, और वहां पे अगर इन्होंने किसी और सूबे में या किसी और पार्टी के
पास अगर कहीं बात की तो उस वक्त के जो नैब के चेयरमैन साहब थे उनको अलन ऐलान जलसे में थ्रेट किया गया, को धमकी दी गई, जो आजकल नाहल वजीर आजम साहब हैं। अगर आपको याद होगा बहावलपुर का एक इज्तमा था जब इन्हीं चेयरमैन ने वहां पे सुप्रीम कोर्ट में एक लिस्ट पेस्ट की जिसमें मुस्लिम लीग एन के काफी लोगों के नाम शामिल थे, तो उन्होंने वहां पे थ्रेट दिया, उनको शट अप कॉल दी। और इसी तरह हमारे दीगर जो सूबे हैं वहां के जो जो भी इदारों के सरबराह हैं उनका भी आपके सामने जो इनके साथ रवैया था। ठीक है, चाहते हैं कानून एक जैसा हो। अब ये कानून एक जैसा, सही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कानून एक जैसा हो। इदारों को अपना काम बहुत बेहतर अंदाज में करना चाहिए, उसके लिए तमाम इदारों को मिलकर बैठना पड़ेगा, तभी ये काम हो सकता है। बहुत शुक्रिया वजीर इतलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब आपका। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से दे दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है।